नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जा रहे हैं एक देवी स्थान पर जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि वह देवी अपना मंदिर ही नहीं बनाने देती। आइए चलते हैं, आप सभी लोगों को दिखाते हैं और वहीं देवी माँ से हमारी कामना रहेगी कि आप सभी को स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, क्योंकि वो ऐसा स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ जो भी मुराद मानी जाए वह पूरी होती है। तो आज मैं भी वहाँ जा रहा हूँ, जबकि इस समय खेत खलिहान की वजह से काफ़ी समय की कमी है, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझको उस स्थान को देखना है कि वहाँ पर कैसा क्या है, क्या वास्तव में मंदिर नहीं बन पा रहा है या बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा। आप बने रहे मेरे साथ इस ब्लॉग वीडियो में, मैं आपको दिखलाऊंगा उस स्थान को। लीजिए मित्रों, अब हम आ पहुंचे हैं उस मंदिर के बिल्कुल समीप, या यूं कहूं कि मंदिर के सामने। आप देख रहे हैं ये विशालकाय वृक्ष जो इमली का पेड़ है, पता नहीं ये कितने पुराने हैं, लेकिन देखिए आप इसकी विशालता को। ये है देवी जी का मंदिर, ये कैंडी भी साथ में चली आई है। आप देख सकते हैं कि ये मंदिर कितना जीर्ण शीर्ण है। इसी मंदिर को ही देवी माँ की इच्छा नहीं है कि बनाया जाए। अभी बने रहे हमारे साथ, आपको बतलाएंगे क्या कारण है मंदिर नहीं बन पाने का। नहीं बना ले कि इतना बड़ा भारी है, तो रहा है। का हो गो तो अच्छा। दोबारा बनवा तो जो है कुछ दोबारा ये रहा कि ये मर गया ना, वो खत तो यही मट्टी साफ करा देते हैं, ठीक साफ करा देते और यही बनवा तो बढ़िया से यहाँ लगवा देते, दोबारा करा देते, इतने से कटा देते और बढ़िया बनवा देते वही तो ले। हाँ, खराब मिट्टी पत्थर निकल। परिक्रमा लगाया मित्रों, आप साथ में बने रहें। मैंने किसी भी प्रकार की एक्टिंग नहीं की है, जो है बस वही दिखाया है आपको।
आप देख रहे हैं कि यह मंदिर कितना जीर्ण शीर्ण है और इसका पुनर्निर्माण जरूर होना चाहिए, लेकिन माता रानी की ऐसी मंशा अभी नहीं है। कहते हैं कि जब वह स्वप्न देगी तभी बनेगा। वीडियो में बने रहे, आप सबको हृदय से धन्यवाद है। नमस्कार साथियों।